हेलो दोस्तों, आज मैं बैंगन की कलौंजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बैंगन की कलौंजी कैसे बनती है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से हमें लंबे साइज के पतले वाले बैंगन लेने हैं कलौंजी बनाने के लिए। और इसको इस तरह से किनारे से कट करके इसको चार पीस में काट लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें 20 से 2 पीस करना है। चेक भी कर लेना है सड़ा हुआ है कि नहीं। इधर से 2 पीस, देखिए दोस्तों इस तरह से हमें 4 पीस कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को पहले धो लिए हैं दोस्तों, धोने के बाद काट रहे हैं इसको। ये पहले धो लेना है इसको। देखिए इसी तरह से हमें, देखिए चेक भी कर लेना है। देखिए एकदम साफ बैंगन है दोस्तों। बैंगन को देखिए 4 पीस में काट लिए हैं। अब इसके मसाले तैयारी कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। इसमें 2 चम्मच रोस्टेड पीनट पाउडर डालेंगे। पीनट को रोस्ट करके इसको पाउडर बना लिए हैं, छिलका उतार कर उसका। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। अब सारे मसाले में ही नमक भी ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पीनट पाउडर जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए इसमें पानी डालेंगे, गाढ़ा घोल बनाना है हमें। देखिए दोस्तों घोल बन गया है। मसाले के घोल को इसको अच्छी तरह से इसमें फील कर देंगे। देखिए बैंगन में हमें अच्छी तरह से भर देना है। इसे हाथों से लगाएंगे दोस्तों, हाथों से अच्छी तरह से लगा पाएंगे, चम्मच से अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। देखिए इसे मसाले चारों तरफ अच्छी तरह से भर देंगे। इस तरह से हमें सारे बैंगन में मसाले डाल देनी है, भर देनी है दोस्तों। सारे बैंगन में देखिए मसाले अच्छी तरह से भर लिए हैं, अच्छी तरह से इसे फील कर लेना है। तो चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में सरसों का तेल डाल चुके हैं, तेल भी गर्म हो गया है। बैंगन को इसमें डाल देते हैं दोस्तों। देखिए हमें सारे बैंगन को इस तरह से डालकर फ्राई कर लेना है। दोस्तों बैंगन को पलट लेंगे। देखिए हमें इसे चारों तरफ से पकाना है। देखिए इस तरह से पलट पलट कर बैंगन को फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी एक बार जरूर बनाइएगा। एक बार बनाकर खाने से आपको बार बार मन करेगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें सारे बैंगन को पलट लेना है। इसको डंडल के सहारे से इसे पलट लेना है, प्लस प्लस को पकाना है ताकि बैंगन चारों तरफ से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रहे। देखिए इस तरह से हमें प्लट को फ्राई कर लेना है। बैंगन को इस तरह से ढक देंगे दोस्तों ताकि अच्छी तरह से गल जाए, कच्चा ना रहे। देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी बन रहा है ये। जिधर से नहीं भुना है उधर से पलट लेंगे। बैंगन को चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। देखिए इधर साइड से नहीं भुना है, इधर पलट लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है दोस्तों। आप भी इस तरह से बैंगन की कलौंजी बनाइए। बैंगन फ्राई हो चुका है दोस्तों, देखिए पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है।
देखिए दोस्तों, बैंगन का कलौंजी बन चुका है। अच्छा हुआ बैंगन भी इसी में फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। ये भर देते हैं। ये देखिए, हल्का सा नींबू का रस डाल देने से बहुत ही टेस्टी लगता है ये। दोस्तों हमारा बैंगन का कलौंजी बनकर तैयार हो गया। देखिए टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटी बनी है। आप भी इस तरह से बनाएं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।